नमस्कार दोस्तों, प्रेजोटेक के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम आपके लिए एक इंडियन बारकोड प्रिंटर लेके आए हैं जो आपका हनीवेल का ब्रांड है और बेसिकली ये इम्पैक्ट के नाम से आया है राइट अपने पास। और इसके जितने भी पार्ट्स हैं, एसेसरीज है, इसका ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हुआ है राइट। और आइए हम इसका अनबॉक्सिंग करके देखते हैं आज। ये देखिए एसेसरीज बॉक्स है, इसमें ओवरऑल प्रिंटर के सारी एसेसरीज हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। ये कुछ टेस्टिंग के रिबन्स हैं जिसे हम टेस्टिंग पर्पज़ के लिए दिया होता है, और ये टेस्टिंग स्टिकर है, और ये कुछ कोर आईडी अपने पास, और ये पावर अडेप्टर है राइट। और ये आपका USB केबल, ये देखिए ये RS-232 केबल, जनरली जैसे हम इसको 9-pin कनेक्टिविटी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कनेक्टर अपने पास राइट। और ये अभी हम एसेसरीज को साइड कर देते हैं और अभी हम चलते हैं प्रिंटर के पास। और ये अपना प्रिंटर है, ये देखिए ये प्रिंटर है, और जैसे कि आप देख सकते हैं इसका बॉडी लुकिंग में राइट। और ये देख सकते हैं थोड़ा सा हार्ड बॉडी में अपने पास प्रिंटर, और ये फीडबैक बटन है, और ये जो लाइट है आप देख सकते हैं इसमें स्टेटस शो का है, मतलब कि ऑनलाइन है प्रिंटर, ऑफलाइन है प्रिंटर। और ये रेडी का लाइट है जिसमें आपको बिलिंग होगा कि प्रिंटर रेडी है कमांड के लिए राइट। और अभी हम प्रिंटर को ओपन करते हैं। ये साइड से दो बटन है प्रिंटर के, हम इसे अंदर के साइड पुश करके और ऊपर के साइड ऐसे करते हैं तो अपना ये प्रिंटर ओपन हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये प्रिंटर का अंदर का पार्ट है राइट। और ये अपना एक्चुअली हेड पोर्शन होता है, जैसे मैं आपको ओपन करके अभी दिखा देता हूँ। और यहाँ दो बटन है, इसको हम अंदर के साइड पुश करते हैं तो हेड अपने आप ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, ये देखिए राइट। और ये इसका एक्चुअली प्रिंट हेड है, और ये देखिए जैसे इसका टेस्ट प्रिंट है, ये 203 DPI का प्रिंटर है राइट। और इसका अगर हम DPI मीन्स कि रेजुलेशन होता है जो आपको प्रिंटिंग क्वालिटी डिफाइन करता है कि आपको कितना मतलब प्रिंटिंग साफ आएगा राइट। और अभी हम इसको एज इट इज़ ऐसे ही रख देते हैं, और इसको हेड ओपन होता है तो देन हम इसको बंद करने का, इसको हम नीचे के साइड पुश करते हैं तो देन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ये आपका हेड बंद हो गया है, ये आपका इसमें स्टिकर रोल लगता है जैसे कि ये हमें टेस्टिंग पर्पस के लिए दिया हुआ था। और अभी हम इसमें लगाते हैं, ये अभी हम ऐसे लगा देते हैं और इसको ओपन भी कर लेते हैं हम लोग। ये देखिए ये लग चुका है पूरा, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये ऐसे इसमें ऐसे लग जाएगा। और ये हम हेड ओपन करा है, और यहाँ से हम नीचे से पेपर को निकालते हैं, भी हम दिखाता हूँ मैं आपको। और ये देखिए ये पेपर ऑटोमेटिक राइट यहाँ ऐसे लगेगा, और ये रिबन का पार्ट है जिसमें आपका रिबन जो वेस्टेज होगा वो उसमें रिवाइंड होगा राइट। और मैं आपको दिखा देता हूँ ये कनेक्टिविटी किसके थ्रू कनेक्टिविटी है इसके प्रिंटर की। इसमें आप USB के थ्रू इसे कनेक्ट कर सकते हैं, एंड आपको RS-232 केबल्स के भी कनेक्ट कर सकते हैं जिसे आप 9-pin कनेक्टिविटी भी कहते हैं। और इसमें आपको LAN पोर्ट एडिशनल मिलेगा जो आपको मैं बताऊं कि LAN के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं, जो आपको ओवरऑल नॉर्मल डेस्कटॉप प्रिंटर में नहीं आते हैं LAN कनेक्टिविटी, लेकिन इस प्रिंटर में हनीवेल के इस प्रिंटर में आपको LAN कनेक्टिविटी भी मिलती है आपको राइट। और इसमें जैसे कि ऑप्शन आप देख सकते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको,
ये देखिए, ये इसमें एक कटर है, ये आपका कटर है जो आपको लेबल फाड़ने में, ये देखिए लेबल आपका एक्यूरेट फटा है, आपका स्टिकर भी डैमेज नहीं हुआ है, और स्टिकर ये देखिए, इस पर आप कुछ भी कंटेंट प्रिंट कर सकते हैं इसके ऊपर, और देन आपको जो भी निकालना है उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट पे स्टिक कर सकते हैं। बेसिकली बार कोड हो या क्यूआर कोड हो या आपको कुछ लेबल एम प्राइस हो गया या कुछ भी रिलेटेड एक्स वाई जेड आप कर सकते हैं, तो देन आपका इससे प्रिंट हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारी वीडियो को शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।